ट्वेल्थ का रिज़ल्ट जैसा कि आपको पता होगा कि रिलीज होने वाला है और ये 17 जुलाई 2020 को रिलीज होगा और ठीक 4 बजे ये वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको मोबाइल ऐप के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं और SMS के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन SMS में थोड़ा लेट लगेगा। और कौन कौन से वेबसाइट है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे वेबसाइट आप देख सकते हैं। सबसे नंबर वन पे जो है https://www.nic.in कॉलन दिया है //wbresult.nic.in, ये जो है सबसे वैलिड है, यहाँ से देख सकते हैं। और www.exam.etc.com ये भी इसके थ्रू भी देख सकते हैं। और www.result.shiksha इसके थ्रू भी देख सकते हैं। अगर SMS के थ्रू आपको देखना होगा तो आप SMS के थ्रू कैसे रिजल्ट चेक करेंगे, तो आपको WB12 कैपिटल लेटर में लिखना होगा, फिर स्पेस देना होगा, फिर रोल नंबर टाइप करना होगा विदाउट एनी स्पेस। रोल नंबर को एक साथ लिखना है, कोई स्पेस नहीं। फिर से बता दोनों, WB12 स्पेस रोल नंबर एक साथ होगा, फिर आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना होगा 54242, मोबाइल में बैलेंस होना अवेलेबल है, ज़रूरी है। और फिर नहीं तो आप एक और नंबर है 5676750 पे, या फिर 5623, इनमें से किसी में भी मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको लिखना होगा WB12 स्पेस रोल नंबर और फिर जो नंबर मैंने बोला यहाँ पे आप भेज सकते हैं। तो आपको आपका रिजल्ट लेकिन पब्लिश होने के बाद ही मिलेगा, वेबसाइट में अवेलेबल होने के बाद। और मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप देख सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। और जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं वैसे ही लाइव आपको दिखाऊंगा कि कैसे चेक करना रहता है, ठीक है। और मैं ऐप का अभी बता दे रहा हूँ कि ऐप कैसा दिखेगा। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऐप का लिंक है WBCHSE Result 2020। आप टाइप करेंगे और आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको नॉर्मली क्या करना पड़ता है, अपना नंबर, फ़ोन नंबर टाइप करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट, और आपको चेक करने के लिए रोल नंबर, रोल टाइप करना, नंबर टाइप करना, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना, कैप्चा टाइप करना, गेट रिजल्ट क्लिक करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आसानी से देख सकते हैं।